अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एजम्पशंस, जिसमें आप कौन कौन से एजम्पशंस कर चुके हैं, एजम्पशन नंबर वन गोइंग कॉन्सर्न एंड एजम्पशन नंबर टू कंसिस्टेंसी। जो हमारा लास्ट एजम्पशन है अकाउंटिंग का, दैट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट या अक्रूअल एजम्पशन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अक्रूअल अक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपनी बुक्स में कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंस, आप अपनी बुक्स में सारी इनकम सारे एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करेंगे वो उस ईयर में करेंगे जिस ईयर में वो एक्सपेंस या इनकम एग्जिस्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स में सारी इनकम और सारे एक्सपेंस उस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में वो एक्सपेंस या इनकम एग्जिस्ट करते हैं, ना कि उस ईयर में जिस ईयर में उस एक्सपेंस या इनकम की एक्चुअल पेमेंट हुई थी या एक्चुअल रिसिप्ट हुई। क्या कह रहा है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ऑल द एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर टू व्हिच दे आर रिलेटेड, जिस ईयर से रिलेटेड होंगे उसी ईयर में रिकॉर्ड करने हैं आपको, एंड नॉट इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट और उस साल में नहीं जिस साल उसके पैसे आए हैं पेमेंट करी है, उस साल में जिस साल का एक्चुअल एक्सपेंस होगा उसी साल में रिकॉर्ड करना, ये कहता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसीलिए दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, कंपनी अक्रूअल या कैश बेसिस। वो कह रहा है कैश बेसिस पे नहीं करना, अगर कैश बेसिस पे करते हैं तो फिर जिस साल में एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल रिसीप्ट होती है उस साल करते। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश बेसिस से मतलब नहीं है, जिस साल में एक्चुअल में वो एक्सपेंस या इनकम एग्जिस्ट कर रहा है आपको उसी साल में उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी। एग्जाम्पल सैलरी ऑफ दिसंबर, सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी ऑफ दिसंबर 2009 इज पेड ऑन 10th जनवरी 2010। अब 2009 एक अलग ईयर है, 2010 एक अलग ईयर है। आपने दिसंबर 2009 की लास्ट मंथ की जो सैलरी है वो जनवरी 2010 में मतलब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में दिए। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका एक्सपेंस है वो आपको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है जिस ईयर से वो रिलेट करता है। कौन से ईयर से रिलेट करता है, 2009 से, तो रिकॉर्ड भी कौन से ईयर में होना चाहिए, 2009 में, ना कि उसकी एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे, एक्चुअल पेमेंट अगले साल की 2010। तो ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझिए तो सैलरी कौन से ईयर से बिलोंग कर रही है, 2009 से, जबकि वो पेड कब कर रही है, 2010 में, मगर कॉन्सेप्ट की वजह से हम वो रिकॉर्ड कौन से ईयर में करेंगे, 2009 में ही जिस ईयर में वो एग्जिस्ट करती है, ना कि उस ईयर में जिस ईयर में उसको पेड करता है। क्लियर हुआ, अब थोड़ी क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1st अप्रैल 2008। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1st अप्रैल 2008 फॉर वन ईयर, 1 अप्रैल 2008 को इंश्योरेंस प्रीमियम दिया एक साल के लिए, कितना, 12,000। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन अब अगला साल 1st अप्रैल 2009 में, यहां पर एक साल के लिए तो नेक्स्ट किस्त कब बनेगी आपकी, 1 अप्रैल 2009 को, उस वक्त दिया 18,000। आपसे पूछ रहे कैलकुलेट ऑफ द ईयर 2009, आप सब ये बता दीजिए 2009 का कितना इंश्योरेंस का एक्सपेंस मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूं। अभी कैसे निकालेंगे, 2009 कहां से स्टार्ट होगा, 1st जनवरी 2009 से, और एंड का होगा 31st दिसंबर 2009 को, मतलब आपको जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है वो 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक रिकॉर्ड करना है। क्लियर होगी बात, जो आपने पहली बार इंश्योरेंस पे किया था वो कब किया था, 1st अप्रैल 2008 को, कब तक के लिए, एक साल के लिए, तो कब तक के लिए होगा वो, 31st मार्च 2009 तक, 1st अप्रैल 2008 से 31st मार्च 2009 तक, टोटल में 12 मंथ बैठते हैं। अब इसमें तो 2009 के भी 3 महीने आ रहे और वो आपको रिकॉर्ड करने, आपको रिकॉर्ड कब से करना है, 1 जनवरी 2009 से, और जो पहली बार आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था वो आपने 31st मार्च 2009 तक किया था। अब इसमें से आपको 2009 के जितने मंथ होंगे वो निकालने पड़ेंगे,
2009 के कौन कौन से मंथ आ रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसमें से कैसे निकालें? टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पहली बार कितना दिया? 12,000। उसमें से 2009 का कितना है? 3 मंथ, 3/12, 12,000 महीने का था। हमें कितने महीने का चाहिए? सिर्फ 3 महीने का चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 12,000 में से (3/12) आपका 3 महीने का उसमें कितना आ गया? 3,000। मतलब जनवरी से मार्च तक का जो इंश्योरेंस था वो कितना था? 3,000। बाकी का जो बचा 9,000 वो 2008 का था, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमें लेना देना सिर्फ इससे जो 2009 का है, क्योंकि हमसे 2009 का पूछा है। तो बाकी का 9,000 2008 का था, उसको ही नोट करते हैं। समझ आया? यहां से यहां तक टोटल में 12 मंथ होते हैं, जिसमें 3 मंथ 2009 के, जिसका हमने इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लिया 3,000। अब ऐसे मार्क्स का तो आ गया, जो आपने नेक्स्ट प्रीमियम दिया वो दिया 1 अप्रैल 2009 को। अब 1 अप्रैल 2009 को दिया तो कब तक 12 मंथ लगा लीजिए यहां से? 31 मार्च 2010 तक। टोटल में 12 महीने यहां बैठे, आपको 10 का निकालना है, 9 का निकालना है, 9 का निकालना है। तो 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक जितने मंथ आए होंगे, हमें इस प्रीमियम में से सिर्फ उतने मंथ का कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें कौन कौन से मंथ आ रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल ये हो गए 9 मंथ। आपने प्रीमियम कितने टाइम का दे रखा है? 12 मंथ का। कितना दे रखा है? 18,000। तो 18,000 डिवाइड बाय 12 × 9, तो 18,000 में से 9 महीने का जो प्रीमियम निकला वो कितना निकला? 13,500। कितना निकला? 13,500। ये 9 महीने का है और ये 2009 के 3 महीने का है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च का है और ये अप्रैल से दिसंबर तक का है। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्रीमियम 2009 का कितना बैठा? 16,500। यहाँ आपने पहले 12 दिया, यहाँ 18 दिया, ऐसे तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें सिर्फ 2009 का चाहिए था। इसमें से हमने 3 महीने का ले लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च का, और इसमें से 9 महीने का ले लिया। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। और टोटल हमारा प्रीमियम कितना आ गया? 16,500। ऐसा क्यों किया? इस कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको जो भी एक्सपेंस है वो उसी साल में रिकॉर्ड करना है जिस साल में एग्जिस्ट करता है, ना कि उस साल में जिस साल आपने एक्चुअल पेमेंट करी होगी। क्लियर हो गया? इसीलिए यहां पर हमने जो नेक्स्ट के 3 मंथ है, जनवरी 2010, फरवरी 2010 एंड मार्च 2010, वो इग्नोर कर दिया 2009 में, क्योंकि वो कब का एक्सपेंस है? अगले साल का। भले हमने पेमेंट इस साल कर दी है, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे 3 मंथ को, वो रिकॉर्ड कब करेंगे? अगले साल 2010 में, क्योंकि वो एक्सपेंस कब का है? 2010 का है। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए, पॉइंट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स को लिख देना। टोटल में आपके 3 assumption थे, जो तीनों के तीनों हो चुके हैं और ये हर बिजनेसमैन को फॉलो करने होते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, और ये मैंडेटरी कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने ही कर रहे हैं। पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो जिसमें आप फिक्स्ड से डेट माइनस करेंगे, सेकंड आपका मेथड हो जिसमें कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट था कि मेथड हर साल सेम फॉलो करेंगे, और थर्ड हो गया अकाउंटिंग करेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू।